एक क्या चीज है दैट कैन रुइन अ किस? बैड ब्रेथ, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, शुड नॉट बी स्लॉपी, हबशी बनाना करें, गो स्लो, प्लीज अपने दोस्तों को मत लेके आओ क्योंकि वो बहुत खराब हो सकता है। देखो मत देखो, मैं नहीं करता खराब किस। ये होती है एक किस जो कि की जाती है दो लोगों के बीच में जो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसे ख़राब करने के कई सारे तरीके होते हैं। वही आज पूछने वाला हूँ मैं दिल्ली के लोगों से कि एक किस को रुइन यानी कि ख़राब क्या क्या तरीके कर सकते हैं। आ जाओ वीडियो देखो, बहुत काम की वीडियो है, और अगर किस करने में माहिर हो फिर तो ये वीडियो ज़रूर देखो। आ जाओ लेट्स गो। What's that one thing a guy should carry on a first date? A good perfume, I think. Confidence. Some flowers and a pack of cigarettes. Proper dressing. I think he should be more presentable. I think good speaking skills. लड़कियों को मतलब पसंद आता है कोई अच्छे से बात करे उनसे, of course. Wallet. Wallet? पैसा पहले date पे खर्च होता है? बिल्कुल होना. Sure. Handkerchief. क्यों? जरूरत पड़ जाती है because a girl never used to carry that. लड़की carry नहीं करती तो लड़की का पसीना पहुँचेगा? हाँ। ऐसा क्या करोगे जब पसीने इतने आ जाएंगे? प्यारी समझ गई। वॉलेट। वॉलेट क्योंकि खर्चा हमारा ही होता है। हाँ, जेंटलमैन। वैसे स्प्लिट करना भी जेंटलमैन वाली बात है, से गलत नहीं है वैसे। हाँ, दैट्स राइट, दैट डिपेंड्स एक्चुअली। अगर गोल्ड डिगर मिल जाएगी तो वॉलेट तो जरूरी है। हाँ, फिर तो दिक्कत है। तो दिक्कत हो जाएगी। आई विल गिव यू माय एग्जांपल। माय फर्स्ट डेट एक्चुअली हैपेंड इन सीपी, बट द थिंग वाज दैट द ट्रैफिक वाज बॉटलनेक्ड एट दैट टाइम, सो आई गॉट लेट बाय अराउंड 40-50 मिनट्स। सो व्हाट आई डिड वाज आई एक्चुअली गॉट अ रेड रोज। Nothing else, just a simple red rose, and I think that worked for me. कि जो लाल चेहरा हो चुका होता उस टाइम लड़की का, वो लाल गुलाब देख के ठीक हो जाता। Exactly. इसे कहते हैं romantic आदमी। Flowers, of course, pack of cigarette and mints. Mint तो must है ना, मतलब क्योंकि हाँ, you never know, कभी base आगे बढ़ जाए यार, फिर mint के साथ condom भी होने चाहिए क्योंकि आगे का base भी बढ़ जाएगा ना। Point. पहली date में थोड़ा ज़्यादा। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो यार। फिर मुझे पहली date में मिला तो क्या खराब कर सकती है एक अच्छी किस को? मत देखो, मैं नहीं करता खराब किस। बॉडी ऑर्डर, द पैशन, आई थिंक इफ दैट्स लैकिंग देन या द किस वोंट बी फन एट ऑल। इमोशन होना चाहिए पूरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। शुड नॉट बी स्लॉपी। यू कैन एक्सप्लेन थोड़ा सा स्लॉपी? स्लॉपी इज लाइक टू मच ऑफ योर सलाइवा इन। प्लीज अपने दोस्तों को मत लेके आओ क्योंकि वो बहुत खराब हो सकता है। बीच में बोल देंगे भाई बस मैं बोर हो रहा हूं घर चल। वो बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा। ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस, ये तो मैं पक्का कह रहा हूं। यू कीप योर आईज ओपन मैन, दैट बिकम्स ऑड। दैट्स अ वियर्ड क्लोज अप दैट यू गेट। And I'm sure even the girl gets a weird close-up. So. हाँ, अरे ये है? नहीं नहीं, ये तो अच्छा नहीं, आँख बंद ही कर लो। So it's a tip, close your eyes and kiss. Like मैं तो पहले ही mint carrier आ रही हूँ ना, this is my basic expectation. If the mints are not there, then I may not even probably go for a kiss. A lot of distractions. हाँ, with friends and people around. Consciousness. Yes. जनता नहीं होनी चाहिए, जब जनता होती है तो बहुत तंग करती है। हाँ, तो इतनी पी रखी है कि समझ नहीं आ रहा कि कितनी ऑडियंस है। हाँ, तो फर्क नहीं पड़ता। Exactly. हबशी बनाना करें, go slow. कूद मत पड़ो। A girl will let you kiss you. Kiss her, sorry. Exactly. Yeah. So हबशी बनाना करें। Less of saliva. Exactly. Somebody, some girl told me. Absolutely, absolutely. मतलब आखिरी किस नहीं है दुनिया की। सोने की मुर्गी मिली तो सारे अंडे मत खाओ। Take it slow, take it soft. Absolutely. Don't be the हबशी। अगर आपका कोई नया पार्टनर है उसके सामने कौन सी ऐसी चीज होगी जो पहली बार करने में आप थोड़ा सा awkward फील करो? Dancing. I guess kiss. Second date, third date. Yes. क्योंकि फिर सेकंड डेट थर्ड डेट क्या तो रुकता नहीं है इंसान, फिर तो दोस्त आ जाते हैं ना बीच में रोकने। बड़ा हरामी हो बेटा। आई थिंक जस्ट द एक्ट ऑफ गेटिंग इंटीमेट विद अ न्यू पार्टनर, बिकॉज़ पीपल हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इशू अराउंड बॉडी इमेज। यस, मुझे लगता है बातें करना, क्योंकि यू शुड नो द पर्सन हुम यू आर टॉकिंग। Maybe you talk too much, you talk irrelevant, so that can irritate. ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा बातें, पहले समझो फिर बात करो। For me it's a dancing. Actually I'm very shy about dancing, so I just can't. अच्छा करते नहीं हो कि वैसी शर्म आती है? मुझे पता नहीं अच्छा करती हूँ नहीं करती, बट शर्म आती है। Probably if you have a wedgie and adjusting your pant, actually बहुत genuine problem है लड़कों की, कि if you have a wedgie and you have to adjust your things, that becomes odd, yeah. She probably might think you're a Sachin Tendulkar fan. Oh, Hina, okay. I will not be coming in a Yulu, like not making my entry in a Yulu. Not making an entry on the bike. Full dressed up and on a Yulu.
because I can do that, but then you should do that. वैसे हाँ, I do that. I did that today. So very तूफानी. आज कुछ तूफानी करते हैं. बोलना. मैं बहुत बोलती हूँ. मुझे पता चल गया वो पिछले दो मिनटों तुम बहुत बोलती हो. Yes. But अच्छा बोलती हो. हाँ. But हमको अवॉइड करना है, मतलब आई तो फील अनकंफर्टेबल पहली बारी में इतना नहीं खुलूं. हाँ, लड़का कहेगा ये तो बहुत बोलती है परेशान. या पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो कह रहा है कि बहुत परेशान हो गई मैं, हो गया मैं. हाँ. तो ऐसा कभी हुआ नहीं. तुम्हारी लुक ज्यादा अच्छी लग जाती है, कहेगा चलो यार कॉम्प्रोमाइज कर ले, बोलती ज्यादा सुंदर तो है. ऐसा हो सकता है कि जैसे बकचोदी मानना पड़ता है, कई लोग ज्यादा बकचोदी खुल के एकदम से बकचोदी एकदम नहीं खुलना. धीरे धीरे अगर वो भी कंफर्टेबल हो, बेसिकली टॉकिंग, नॉट टॉकिंग टू मच, जो मुझे लगता है भाई बहुत करता है ना पहली डेट में या पहले नए पार्टनर के साथ. थोड़ा सा रुक के मैच होना चाहिए दोनों का, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी वाइब्स मैच होनी चाहिए, तब यू शुड कैरी ऑन. फिर धीरे धीरे रंग दिखाने चाहिए, यानी कि पहले रंग दिखाने चाहिए. हाँ, तो आप रंग दिखा देते दूसरी मीटिंग में. हाँ भाई, पहली मीटिंग में दिख जाते हैं. गेटिंग नोट फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, पुराना पार्टनर हो तो उसको पता है क्या है क्या नहीं है. तीन चार पेट होते हैं ना, तो मैं इनकॉन्शियसनेस आ जाती है. आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ दिस गर्ल मैन, मतलब इसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की. हाँ, वो पता चल जाता है भाई इसके तीन चार टायर हैं, कोई बात. पहले तो वैसे कोशिश करनी पड़ती है कि जब पता हो कि लौंडा आ रहा है तो तीन चार दिन पहले थोड़ा. तीन चार दिन में टायर कहाँ जाते हैं? नहीं, टायर नहीं जाते, बट ऐसे हाँ, या तो इतना चढ़ा दो उसको, मतलब पिला पिला के पिला पिला. अच्छा, हाँ. मुझे लगा कहाँ चढ़ा दो पता नहीं. कि या तो इतना भंडो कि अगला भी बहनचोद को पता ही ना चले कि क्या चल रहा है मार्केट में. क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है. एक टायर दो टायर, उसने कहा कोई बात नहीं, पूरी स्टेपनी मैं ठीक करूंगा. मैं मैकेनिक हूं. देख रहा कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी. बहुत सारा खाना. हाँ. पेट भर के खाना. समझ जाएगा पेट हुआ. इंटेंसली खाना. तब समझ जाएगा टायर आ कहाँ से रहे. एग्जैक्टली. तब कहेगा अच्छा यहाँ से टायर आ रहे. एग्जैक्टली. पहली डेट पे या पहली बार पे थोड़ा सा इजी. थोड़ा इजी कि हाँ, मतलब उतना ही मंगाओ कि उससे कम खाओ. एक तो हम पहले ऐसे दिखते हैं, फिर ऊपर से कंफर्मेशन क्यों देना कि हम इसलिए ऐसे दिखते हैं. ज्यादा खाना मत खाओ, उसे खा जाए पेट में. हाँ, मतलब वो भी कर सकते हो, है ना. You can eat him later. One thing according to you that girls do in a sexy way, but guys fail to do that. Hair flip, बाल flip करना. They dress up in a sexy way. Taking off their earrings. It's a lap dancing, I think. हाँ, ये. Girls can do better than boys. नहीं, हम भी अगर अच्छा कर सकते हैं, तो guys can do better than girls. है ना? तूने बहुत lap dance लिए. Yes. कह रहा है yes. Dance का शौक है. अच्छा, तूने बताया नहीं कि अपने पर बिठा के dance करवाने का शौक है. Girls can talk in expressions. हाँ. A guy doesn't. आँखों से बोलती हो तुम. Either eyes or facial expression, हाँ. Anything. अभी आँखों से मुझे गाली तो नहीं दी तुमने? मैं वो भी दे सकती हूँ. यार ये तो मेरी मार है यार. I think उनके response काफी cute होते हैं, काफी silly से jokes वगैरह पे कई बार. If they're attracted to you, I think that's guy cannot do it. Girls को naturally आता हूँ काफी. कैसा response? Okay, like if the girl is into you, so usually उनका response भी काफी मतलब cool वैसा होगा कि अगर आप गंदे से गंदे जोक मार रहे हो, फिर से वो ऐसे हंसेंगी जैसे पता नहीं कितना बढ़िया जोक मार रहे हो. आपके लिए सेक्सी हो जाएगा काफी. The strip, of course, like. वेगास की स्ट्रिप पे जाके अगर स्ट्रिप देखोगे तो वो भी. हाँ, मतलब मैं महिपालपुर की स्ट्रिपिंग प्रेफर नहीं करूंगी ना. कोई भी नहीं करेगा वो. मैं भी नहीं करूंगा, फ्री में ही मिलेगी. Obviously, you guys can't do that stripping the girls. They have that vibe in them. I'm not sure if guys can't do it. They can, but not as good as. काफी एक्सपीरियंस निकल रहे हैं यहाँ पर तो. You know, depends. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? Nudes from a girl are always desirable. Yes. But nudes for a guy, not always desirable. Please make those boundaries when you share them. There is a way to send nudes. Yeah, there is a way to, you know, sort of form rapport and, you know, yes. Be okay with sending and also receiving. And there is a thin line between cheap vulgarity and sexiness. Yeah. तो अब तो आप समझ ही गए होगी वो क्या सारी चीज़ें हैं जो हम लड़कों को अपनी पहली डेट पे अपने साथ रखनी बहुत ज़रूरी. अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जो फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मज़ेदार वीडियो के लिए. बाकी अपना ख्याल रखो, घर पर रहो, और मज़ेदार वीडियो देखनी है तो इधर 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 और इधर क्लिक कर देना. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अब चलो बिहाइंड द सीन्स देखते हैं जो कि बहुत मज़ेदार है. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, खत्म. थोड़ा कैमरा फेसिंग हो जाओ. मास्क तो इतना महंगा पहना दिखना तो चाहिए ना. जो लड़कियां कहती थी हम बिल्कुल नहीं बोलते, सबसे ज्यादा बोलती. व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड, आपके दिमाग में जो आता है हिंदी में बोलेंगे, तो आपके मन में आएगा ना रैंडमली बोल देना. व्हाट व्हाट, मैं जो पूछूंगा. सोचना ज्यादा नहीं, सोच के बोलो तो फिर मजा नहीं आता. अच्छा, उधर से देखूंगी मैं, आऊंगी नहीं सामने. शाबाश, मेरे लिए हो जाएगा क्योंकि मेरी जो वाइब्स होती है ना वो वाइब्स. या एग्जैक्टली, जब मैं सीधा वाइब्स बनाता है सीधे वाइब. अच्छा, मैं कहा सीधा वाइब्स होती है, गर्लफ्रेंड को वाइब्स कह रहा है भाई. अरे नहीं सर, अरे मुझे लगा वाइब्स. मैंने कहा भाई इतना हर सीधा बीवियां ही बना रहा है.
लाइटर दिख रहा है उसमें, थोड़ा छुपा लो, हम मैं काटने की कोशिश करूँगा। अच्छे इंप्रेशन नहीं पड़ेगा ना लड़कियों का, देश में हमारे लोग खराब है। स्मार्ट लड़की है। बैकग्राउंड नीचे डिस्क्लेमर चला देंगे, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कांटेक्ट मुकेश। जैसे मैं दिखती हूँ तो मेरे लिए भी वैसे यही है। यार देखो हम बॉडी शेमिंग नहीं करते, हर एवरी बॉडी आई बिलीव इज वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली अ गर्ल्स बॉडी। डीमोटिवेट अबाउट योर बॉडी, यू हैव अ बॉडी, आई हैव नॉट चेक्ड इट आउट बट इट्स गुड। ऐसे चेकआउट नहीं करूंगा ना। क्या आ गया? कैब बोला। माय कैब इज हियर। योर कैब इज हियर। यू आर लीविंग, यू लीविंग अस सो सून। ऐसे कर्ली बाल हिलते हैं ना जब स्लो मोशन में, तो हमारी काफी मन डोल जाते हैं। आई लाइक द होल पंक लुक मैन, बाल ये वो, तुम माँ से ज्यादा रॉक चिक लग रही हो, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। थैंक यू। निधि की आंखें बहुत वैसी एक्सप्रेसिव हैं, आई लाइक द आईज। अच्छा से तैयार होके आए बाय द वे, आई लाइक योर ड्रेसिंग सर, जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं क्यूट लग रहा हूँ, डिसेंट लग रहा हूँ? वो मैं बाद में देख के बता दूँ, आंखें अच्छी हैं लड़की। देखो बाल फ्लिप करे मेरे ऊपर, यही चीजें हैं जो हमें बहका देती हैं राह से। ब्लू आई लाइनर, तुम्हारी आंखें इतनी चमक रही हैं यार, इतना बढ़िया तुमने आई लाइनर लगाया। देखो मैंने क्या क्या नोटिस कर लिया। हाँ बताओ, ये आँख मटकाना ही, देखो जैसे तुमने अभी मटकाई मुझे देख के, ये मैं नहीं मटका सकता, तुम्हारी आंखों में अलग बात थी। मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना भी याद है कि हो रही थी किस और बीच में आके कह रहे भाई जल्दी कर ले, अब ऐसे काम जल्दी थोड़े ना होते, जैसे हम अच्छे से ऐसा ना हो कि उल्टी निकल गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना हमारे साथ, मतलब मेरे साथ। मैं मुँह खोलते हुए ठीक बोलता, मुझे पता क्या बोलना है। इंडिया में तो मुझे नहीं लगता, मैंने वेगस का देखा हुआ है जस्ट टू शो ऑफ, वहाँ की स्ट्रिपिंग तो लड़कियों के अलग लेवल की। आई हैव नॉट बीन विद नॉट सो सेक्सी गाइस, सो मे बी यू हैव बीन विद मोर सेक्सी गाइस हु कैन स्ट्रिप बेटर। स्ट्रिप बेटर, यस एक्जेक्टली। मैं भी थोड़ा शो ऑफ करती हूँ, मैंने भी सिंगापुर में देखा है। ये हवाबाज लोग ना मिल ही जाते हैं, दिल्ली के लोग होते ही हवाबाज है कुछ। आई पंजाब भेंचा, हमारे तो खून में ना इंजेक्शन लगता हवाबाजी का, कि पहले करनी है बेटा, उसने कनाडा बोला तो तुम अमेरिका बोलना ऐसे लोग मिल जाए ना मेरे को, एंड शेयर एज वेल, लाइक सब्सक्राइब शेयर। और यश शर्मा, शर्मा का कोई इंस्टाग्राम है जो आप फॉलो करवाना चाहते हो? कई लड़कियां करवाती हैं, आपको शौक है? नहीं, मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। नहीं हो? थैंक यू सो मच यश। थैंक यू। वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट। गोल्ड डिगर्स आ जाएंगे, सही उन्होंने बोला भी, जे पड़ जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरी जल्दी बताइए, बड़ी जल्दी डांट के बोला, जल्दी बताइए। मैं वंशिका, रूड हो गई यार तुम तो लास्ट में, मुझे अभी तो बड़े प्यार से बात कर रही थी। रूड तो नहीं हुई वो? सही, कई बार ना जो बड़े बकचोद लोग होते हैं ना हमारी तरह, वो लोगों को रूड लगते हैं, होते नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है दोनों ओलंपिक्स में जा रही हैं। आई विल कैरी दिस फॉर यू, आपने बहुत देर से पकड़ा। नहीं दैट्स फाइन, इट्स ऑल। नहीं मैं खाऊंगा नहीं, भूख मुझे लग रही है, बट कोई बात। ओला वाले भैया, ओला बहुत बेकार है, उबर करो यार। वो ओला में पोस्टपेड चल जा रहा है ना, नहीं करना पड़ता। नहीं तो वो उबर में भी चलता है यार, पुट योर कार्ड, बट ओला सक्स मैन, पुट माय कार्ड इन इट, ओला सक्स मैन, ट्रस्ट मी, यू आर सुपर फन, जस्ट वन एडवाइस, बी द वे यू आर, ट्रस्ट मी, नॉट मेनी पीपल कैन हैंडल सच पीपल बिकॉज़ यू आर टू ब्लंट, बट इंडिया में वी नीड पीपल टू चेंज देयर माइंड सेट। थैंक यू सो मच। देखते हो जी? क्या देखते हैं आपके? मेरे वीडियो देखते हो, बढ़िया लगते हैं जी, मस्त एकदम। अच्छा चलो आप फोटो खिंचवाते हैं, मैं तो ऐसे पिक्चर लेता हूं। यार चलान का इतना डर है ना यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, ओके। आप क्या करते हो भाई? अभी तो स्ट्रेट चल रही है। चढ़ी चल रही है भाई, लग नहीं रहा घूम रहे जिस तरह। नहीं नहीं, हम लोग वापस जा रहे कानपुर। कानपुर चलो देखते रहना। तो प्लेजर मीटिंग हिम, सो आई यूज्ड टू फॉलो हिम इन कनाडा, लाइक व्हेन आई वाज इन बॉम्बे। या व्हेन ही वाज इन बॉम्बे, एंड आई यूज्ड टू सी हिज वीडियोस इन बॉम्बे एंड दिल्ली, एंड आई यूज्ड टू सी, यार वन डे मे बी आई एम गोइंग टू सीपीएल मीट हिम। सच्चा प्यार मिल जाता दोस्त। तो मिल गया।